हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत में जलदाय विभाग की मेन लाइन फूटी, हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहा। शहर के दिल्ली दरवाजा चौराहे के पास दूरसंचार विभाग के द्वारा केबल डालने के दौरान जेसीबी की सहायता से खोदे जा रहे गड्ढे में अचानक पाइपलाइन आ जाने से वो क्षतिग्रस्त हो गई और पेयजल वितरण की मेन लाइन होने के कारण पाइप फटते ही उसमें करीब 25 फुट ऊंची पानी की जलधार उठने लगी, जिसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। ये स्थिति करीब एक घंटे तक बनी रही, इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह दिल्ली दरवाजा चौराहे के पास सुबह करीब 9 बजे दूरसंचार विभाग द्वारा केबल डालने के लिए खड्डा खोदा जा रहा था। इसी दौरान खड्डा खोदते समय जेसीबी की जद में अचानक पेयजल वितरण की मेन लाइन आ गई और उसकी टक्कर से क्षतिग्रस्त होते ही पानी का फव्वारा उठने लगा। काफी देर बाद जलदाय विभाग के फिटर घनश्याम हेल्पर को लेकर मौके पर पहुंचे और सप्लाई को बंद कर क्षतिग्रस्त पाइप को बाहर निकालकर वहां नया पाइप डाला गया। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।